किसी की बात पे यकीन नहीं कर सकता जब तक मेरी निशा से खुद बात ना हो। सुमुल का मैसेज, शायद ये वही फूलों वाला लड़का तो नहीं है। देखती हूँ। भाभी, भाभी क्यों मैसेज कर रही है? अगर तुम जाग रही हो तो प्लीज़ बाहर आओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तुम जल्दी से मेरे पास आओ, आज से मम्मी के रूम में गए हुए हैं, बस तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज़। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो आली से मेरी फोन पर बात हुई थी, बहुत परेशान हो रहा था। क्या कह रहे थे भाई? वो दरअसल साथ की आवाज सुन ली थी उसने, लेकिन मैंने बात संभाल ली ये कहकर कि वो मुलाजिमा को डांट रहा था। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? मैं भी नहीं चाहती कि सब कुछ चलता रहे। ये तो आपने पहले भी कहा था। मुझे लगा कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। अब मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। आप मुझे कब तक भिजवा देंगी? निशा, ये काम रातों रात नहीं हो सकता। तुम्हारा मैं वीजा अप्लाई करूंगी, वीजा प्रोसेस में जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही ना, लेकिन तुमने ना साथ से कोई बात नहीं करनी इस बारे में, कुछ नहीं कहना, समझ गई तुम? बल्कि तुम उसके सामने ही मत आना। बस सुबह उठेगा ना तो मुझे लगता है नॉर्मल होगा। अल्लाह करे कि उसके दिमाग से सारी फजूल बातें निकल जाएं। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ रखा है? मेरे कमरे में मिले। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद निकाल लूंगी। कहाँ पे है? मेरे कबर्ड में ब्लैक बैग के अंदर पड़ा है। ठीक है, मैं निकाल लूंगी। आंटी, आप मेरा काम करवा देंगी ना? क्यों नहीं कराऊंगी मैं तुम्हारा काम? मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के हाथ तुम्हारे खून से रंगे और उसके गले में फांसी का फंदा हो।
नीलो, नीलो। जी बीबी जी। निशा के लिए हेल्दी वाला दूध लेकर आओ। अपने बेटे की फिक्र है, इस वजह से अब वो मुझे यहाँ नहीं रखेंगी। अल्लाह करे जल्दी से वीजा लग जाए और उसी दिन की फ्लाइट भी मिल जाए। कुछ बात करके उससे अजीब सा लग रहा था मुझे, जरूरत से ज्यादा बोल रही थी, हंसी जा रही थी। मैं बता रहा हूँ रिदा, वो मुझसे कुछ छुपा रही है। तो तुमने उससे पूछा नहीं? कई बार पूछा, यही तो मैं उससे पूछे जा रहा था कि कोई मसला है तो मुझे बताए, लेकिन नहीं। मैं बता रहा हूं वो खुश नहीं है ऐसा, वो खुश नहीं है, वो सिर्फ मुझे झूठी तसल्लियां दे रही है। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगी उससे। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। ला करे ऐसा ही हो। सुंबुल तो कब की सो रही है? उसके मैसेजेस का रिप्लाई मैंने किया है। वो मैं सांस ले लीजिए, बैठ जाइए। आए बैठे बैठे हैं। क्या मामला है? और सुंबुल का इससे क्या ताल्लुक है? तुम्हें आजाद करके जिंदगी देना चाहती हूँ शेरू, कभी नहीं भूलूंगी तुम्हें, हमेशा याद करूंगी। दुआ है कि तुम हमेशा अपने पर फैलाए आसमानों पर उड़ते रहो। जाओ कहीं और जाकर अपना बसेरा कर लो, और दुआ करना मैं भी जल्दी इस पिंजरे से आजाद हो जाऊं। क्या ताल्लुक है सुंबुल का इस मामले से? यह मामला मेरा और सुंबुल का है, बेहतर है कि तुम हमारे दरमियान ना पड़ो। इस घर में किसी का भी ताल्लुक आपके साथ होगा तो मैं सवाल करूंगी। और आपको जवाब देना होगा। जवाब दीजिए, दीजिए जवाब। अंबर भाई, अब भाभी परेशान हो रही थी, सो नहीं पा रही थी बेचारी, तो हम बस ऐसी बातें कर रहे थे। तुम कमरे में जाओ आराम कर। जी भाई। ओके भाभी, आप परेशान नहीं होइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी की बातें हम कल करेंगे। परेशान नहीं होइएगा, गुड नाइट। आइंदा अपने मामलात में मेरी बहनों को इन्वॉल्व मत करना। आसिम,
आज की रात, कल उठते ही मैं सुमुल से बात करूंगी। साद, साद मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, लेकिन बेटा मैंने जो कुछ भी किया है ना तुम्हारे लिए तो किया है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम कोई गलत हरकत करो और किसी मुश्किल में फंस जाओ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे बेटा। करती थी, मगर अब नहीं कर सकती। मुझे गलत मत समझो साद, मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारी खुशी की खातिर करवाई है, ताकि तुम खुश रहो, तुम्हारा घर में दिल लगे, तुम्हारी फैमिली बने, मुझे और निशा को टाइम दे सको, हमारे साथ खुश रहो बेटा। मामा, ये शादी मैंने आपकी ख्वाहिश की वजह से की थी, अच्छी तरह जानती हैं आप, अदरवाइज मैं कभी भी ये शादी नहीं करता। आप मेरी नेचर से वाकिफ हैं, मैं एक लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं किसी एक शख्स के साथ कभी बाउंड नहीं हो सकता। लेकिन साद अब तो निशा, प्लीज उसका नाम मेरे सामने मत लिया करें, नफरत करता हूं मैं उससे, बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे। अच्छा तुम जूबी के साथ ज्यादा क्लोज हो ना? जी मामा, मैं जूबी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इनफैक्ट वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती। तो फिर ठीक है, तुम्हें जैसे मर्जी आए अपनी जिंदगी गुजारो, छोड़ दो निशा को। अब मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता, नेवर। क्यों क्यों रोकना चाह रहे हो उसको? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें जैसे मर्जी जिंदगी गुजारनी है गुजारो, मुझे कोई एतराज नहीं है, निशा को उसके भाई के घर छोड़ो। आज के बाद ये बात कभी भी मत कीजिएगा, वो यहां से कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी जिद और अना बन चुकी है। खालियान से भी कह दीजिएगा अपनी बहन से दूर है, वो मरकरी यहां से जाएगी। और ये बात आप भी अच्छी तरह समझ लें, आप अगर मेरी अना और जिद के सामने आएंगे ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझाओ इसे मैं। फार्म हाउस पे ले जाने का वादा किया और भूल गए? हाँ, हमें बहला दिया, ये तो गलत बात है। अरे ले जाएगा, सबर करो। अच्छा अंबर मुझे बताओ, तुम्हारा लास्ट पेपर कितने बजे होता है? 8:00 मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन मेरी वैन वाले से बात हो गई है हिल पिक में। आप अभी तक मौका ही नहीं मिला है सुमुल से बात करने का। पॉलर जाकर भी आज सारा दिन असीयत में ही गुजरेगा, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। वो नेहा, सबा का फोन आया था, वो आज बीमार है, पॉलर नहीं आएगी। अम्मी आप परेशान नहीं हो, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं, मेरे ख्याल से तुम आज घर रुको, यहाँ पे भी बहुत काम है, मैं सुमुल को साथ ले जाऊंगी आज। मैं? मामा मैं क्या करूंगी जाके, आपको तो पता है इन कामों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं आपकी वैसे हेल्प कर सकूंगी जैसे भाभी करती हैं। बेटा तुम चलोगी तो सीखोगी ना, क्या हो गया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, परेशान क्यों होती हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो सब सिखा दिया करूंगी। चलो रिलैक्स करो, नाश्ता खत्म करो, चाय डालो। अरे नाश्ता तो जा।
जान की बाजी लगाकर अंकल की जान बचाई है। एक भी खराश नहीं आने दी उनकी बॉडी। बाजी पुलिस केस। ये शम्मा आंटी मेरे पापा के साथ आ गई है तुमसे मिलने के लिए। या अल्लाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया एहसान। तुमने ये भी नहीं सोचा कि खुदा न खास तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही एंड हो जाती। जी सर। एक बात का खास ख्याल रखना, छोटी बेगम साहिबा घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है साहब। और अगर मेरी बात की खिलाफ वर्जी हुई तो तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते ही हो। आप बेफिक्र हैं सर, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए। चलता हूं। अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज व अमान में रखे। नीलू, निशा बीबी उठ गई क्या? नहीं, अभी तक वो अपने कमरे में ही है। अच्छा, मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं, फ्रेश जूस ले आओ बस। जी, मैं अभी लेके आई। आपने भाभी को सैलून आने से मना क्यों कर दिया मामा? बेटा वो स्ट्रेस में थी ना, मैंने कहा घर बैठ के रिलैक्स कर जाएगी। ये भी तो हो सकता है ना कि वो सैलून आती, काम में बिजी होती तो जल्दी रिलैक्स हो जाती। बात को समझने की कोशिश करो। मैं चाह रही थी कि वो और आसिम थोड़ा घर में ना अकेले रहें। आप उसे बातचीत शुरू कर देंगे, चीजें शायद बेहतर हो जाएगा। आपको भाई से भी तो बात करनी चाहिए थी इस बारे में, आपने क्यों नहीं की? क्योंकि छोटी छोटी बातों में मैं नहीं पढ़ सकती बेटा। उनका आपस का मसला है, उनको सॉल्व करने दो। फिर मामा अंबर तो कह रही थी कि बहुत बड़ा मसला है। अरे तुम्हें अंबर का पता है, वो तो बोलती रहती है। ये अगर बड़ा मसला है और दो तीन दिन में हल नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ बीच में बोलूंगी। मुझे भी घर का माहौल ऐसे नहीं अच्छा लगता। लेकिन मामा भाई को... बेटा तुम और अंबर बीच में नहीं पड़ोगे, ठीक है ना? अच्छा मैं तुम्हें सैलून छोड़ रही हूँ, मुझे बैंक के साथ जरा काम है, आधे घंटे में आ जाऊंगी मैं। मामा मैं अकेली कैसे हैंडल करूंगी सब कुछ? अरे सिर्फ बैठना, सुपरवाइज करना है, लड़कियां काम करती हैं। बेटा कैसी बातें कर रही हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ थोड़ा। जी ना कर, ना